एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि आप देख पा रहे, क्रॉटन के कुछ प्लांट्स हैं जो कि हमने कटिंग से ग्रो किए थे। एंड दोस्तों आज हम इसे एक टूटे हुए गुल्लक में इंडोर प्लांट के रूप में ग्रो करने वाले हैं, जो कि रहा ये। इसे इंडोर रखने के बाद में काफ़ी शानदार लगने वाला है दोस्तों ये जब तैयार हो जाएगा। एंड इसमें मैंने एक ड्रेनेज होल कर दिया है, ये रहा जो कि ये ड्रेनेज होल करना काफ़ी ज़रूरी है, वरना आपका जो प्लांट है वो डेड हो सकता है। इसके बाद में सॉइल मीडिया कुछ इस प्रकार है दोस्तों। मैंने ले लिया है 60% कोकोपीट, 30% रिवर सैंड एंड 10% जो है ब्रिक्स चिप्स। आप कोकोपीट के जगह नॉर्मल गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। एंड ये एक प्लांट मैंने चूज़ किया है, मैं इस प्लांट को निकालने के बाद में इस गुल्लक में ग्रो करने वाला हूँ, तो आप प्लांट को काफ़ी सावधानीपूर्वक निकाल लें। निकालने के बाद में दोस्तों इसकी कुछ जो रूट्स है इसे हम कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको कुछ रूट्स को इसकी कट कर लेना है ताकि आप जो है गुल्लक में इसे ठीक तरह से स्टैंड कर पाए। तो ये देखिए, ये इसका रूट बॉल रहा, इससे कुछ रूट्स को हम कट कर लेंगे। आप कटर की सहायता ले सकते हैं या फिर हाथ से इसकी रूट्स निकाल सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि पूरी तरह से इसकी रूट्स डैमेज ना हो पाए। और चलिए अब इसमें कुछ जो सॉइल मीडिया है फिल कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपको इस गुल्लक में अपने कटिंग को जो है स्टैंड कर देना है। इसके बाद में सॉइल मीडिया फिल कर दीजिए पूरी तरह से। किसी स्टिक की सहायता से आप इसे जो है मिट्टी को जो है आप कुछ इस तरह से कर लीजिए ताकि एयर पॉकेट्स ना बने रहे आपके सॉइल मीडिया में। इसके बाद में दोस्तों आपको इसमें कर देना है फुल वाटरिंग, और फुल वाटरिंग करने के बाद में आपको इसे 8 से 10 दिन के लिए सेमी शेडेड एरिया में रख देना है जहाँ की डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और इसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। एंड दोस्तों मैं इस चैनल पर बोनसाई से लेकर सेडलिंग से लेकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा अपने चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।